हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग पास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर से। अभी तक हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर से स्टडी मटेरियल जो आईसीएआई ने इशू किया है उसे पूरा सॉल्व किया है। आरटीपी और एमटीपी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग उसी चैप्टर का क्या सॉल्व करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन, कि पास्ट ईयर्स में जो इंस्टीट्यूट ने इशू ऑफ डिबेंचर से क्वेश्चन पूछे हैं क्या वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, उसी का हम लोग देखेंगे आज। सर, पास्ट ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है। वहां पे आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथ, इन सभी का क्वेश्चन बैंक का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और वो आपको साइट पे ले जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। क्या हमें क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए? बिल्कुल, हमें क्वेश्चन बैंक खरीदना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बैंक के बहुत बेनिफिट है। एक, प्रैक्टिस करने के लिए वैरायटी ऑफ सम मिलता है। सेकेंड, हमें पता चलता है कि सर जो हम लोगों ने सीखा है और जो आईसीएआई ने एग्जाम्स लिए हैं क्या हमारे सीखे हुए बातों से हमारा इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बनता है या नहीं। थर्ड सर, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन का बेनिफिट। पास्ट ईयर के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में भी आते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चन बैंक जरूर से जरूर खरीदना चाहिए और उससे प्रैक्टिस भी करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मई 2018 में डिबेंचर से कोई क्वेश्चन नहीं था। नवंबर 2018 का 5 नंबर का सवाल, आइए सुने। प्योर लिमिटेड इश्यूज 1,12% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट ₹9.4। डिबेंचर कितने रुपए का है? 10। इशू कितने में कर रहा है? 9.4, तो सर 0.6 का डिस्काउंट है। हम बोले हाँ। कब इशू कर रहा है? ऑन 1st January 2018। अंडर द टर्म ऑफ इशू द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। बोल रहा है जो डिबेंचर है वो रिडीम कब होगा? एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 सालों के बाद ये रिडीम हो जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 ईयर। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर्फ ये बताओ कि डिस्काउंट हर साल कितना रुपया राइट ऑफ होगा, तो हम लोग को निकालना है अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो कैसे निकालना है? हम बोले सर पहले लिखो किस साल का क्वेश्चन है ये। हम बोले नवंबर 2018 का। सबसे पहले निकालेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अमाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना। नंबर ऑफ डिबेंचर है 1 लाख, डिस्काउंट कितना है? 60 पैसा, तो सर 60,000 रुपीज का डिस्काउंट दिए होंगे जब इश्यू किए होंगे। हम बोले हां। सेकेंड काम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट सोइंग डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। क्या ये सब सिखाए हुए हैं? हां, ये सारा बात हम लोग सिखाए हुए हैं। कब सिखाए हैं सर? जब स्टडी मटेरियल से पढ़ा रहे होंगे, जब हम लोग लिखे होंगे डिबेंचर का Part 1 Part 2। प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल कौटिल्य कॉमर्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा CA फाउंडेशन इशू ऑफ डिबेंचर, उसके अंदर जाके देखो Part 1 Part 2 Part 3 इस तरह करके है। तो जहां पे हम Part 1 Part 2 का बात कर रहे होंगे वहीं पे हम सिखाए होंगे कि डिबेंचर के समय कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। चलो, सबसे पहले क्या लिखते थे? ईयर। फिर क्या लिखते थे? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर एट द बिगिनिंग। ऑफ ईच ईयर, हर साल के बिगनिंग। फिर क्या निकालते थे? रेशियो। और फाइनली
डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, इसका अमाउंट, हम बोले हां। जैसे इशू कब किया गया है, 1 जनवरी 18, फिर अगले साल का बिगनिंग 1 जनवरी 19, अगले साल का बिगनिंग 1 जनवरी 20, 1 जनवरी 21, 1 जनवरी 22, बस 5 साल। क्वेश्चन क्या बोला है, 5 साल में राइट ऑफ कर देंगे, तो सर 5 ही साल है। डिबेंचर का वैल्यू कितना, हम बोले सर 1 लाख डिबेंचर है, फेस वैल्यू है 10, तो 10 लाख। अगले साल भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10 लाख, अगले साल 10 लाख, अगले साल 10 लाख। तो रेशियो किसका बनाते हैं, ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर बैलेंस, हम बोले ठीक। तो इसी का हम लोग क्या बनाएंगे, रेशियो 1:1:1:1। सर 0:0 सब में कट जाएगा तो 1:1 बचेगा, हम बोले हां जोड़ लो कितना 5। अब हम लोगों को निकालना है हर साल डिस्काउंट कितना राइट ऑफ होगा, बहुत सिंपल है, 60,000 इंटू पहले साल का रेशियो 1 out of total 5, तो सर 12,000। तो हर साल ऐसे ही होगा क्योंकि सारे का रेशियो सेम है। तो ये हम लोगों क्या था क्वेश्चन, 2018 नवंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इतना ही करने से क्या मिल जाता आपको, 5 नंबर। लिखिए, आइए अगला क्वेश्चन, मई 2019 में क्वेश्चन है, वो भी 5 ही मार्क्स का है। ऑन 1 जनवरी 2018 अंकित लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹20 लाख एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। कितना डिस्काउंट चल रहा है, 10%। तो सर 10% डिस्काउंट पे इशू किया है, हम बोले हां। तो 20 लाख का फेस वैल्यू है, उसका 10% मतलब 2 लाख का इशू के समय डिस्काउंट है, हम बोले बिल्कुल। डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट 10% वॉज पेबल ऑन 30th June एंड 31st December एवरी ईयर। हर साल 30 June और 31 December को इंटरेस्ट दिया जाता है डिबेंचर के ऊपर, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब टीडीएस कितना कटता है, 10% का, हम लोग बोले हाँ। क्या हम लोग इंटरेस्ट और टीडीएस सीखें, भली भांति सीखें। All the debenture were to be redeemed after the expiry of 5-year period at 5% premium. बोल रहा है 5 साल के बाद डिबेंचर को रिडीम कर दिया जाएगा 5% के प्रीमियम पे, मतलब सर फ्यूचर में भी लॉस होगा, हम बोले हां फ्यूचर में भी लॉस होगा। कितने का, 5% का। तो 20 लाख का 5% सर 1 लाख रुपया, हम बोले बिल्कुल। आगे बढ़ो, पास जर्नल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2018। क्वेश्चन क्या बोला है, सिर्फ एंट्री पास करके दिखाओ 2018 का, हम बोले चलो ये हुआ ना बात, शुरू करें। सबसे पहले 1 जनवरी, क्वेश्चन में कोई झमेला नहीं है, 2018 को हम इशू कर रहे हैं, एंट्री बोलो सर बैंक अकाउंट डेबिट, बोले हां। 2 डिबेंचर का परसेंटेज 10, तो 10% डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट भी हो जाएगा। कितना पैसा आएगा सर, 18 लाख, क्योंकि 10% डिस्काउंट ही दिए आप, तो 2 लाख रुपए का डिस्काउंट। बी अप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर इसी दिन अप्लीकेशन को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे सर, डिबेंचर में, तो 10% डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं डेबिट, कितने रुपए से, 18 लाख। क्या नुकसान है, हां सर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, भविष्य में भी नुकसान है और प्रेजेंट में भी नुकसान है, लॉस ऑन
इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्या ये सब सिखा चुके हैं? हाँ, ये तो बहुत लेट क्लास है, हम लोग तो पार्ट, जब हम लोग पार्ट वन पार्ट टू डालेंगे तभी सिखाएंगे सारा बात। कितना का लॉस? सर 10% अभी डिस्काउंट दिए तो 2 लाख, फ्यूचर में अधिक पैसा 5% लौटाएंगे तो 1 लाख फ्यूचर का लॉस है, सब मिला के सर 3 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। बोले हाँ। 2, 10% डिबेंचर, सर ये तो 20 लाख। 2, यहां क्या लिखेंगे? डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अच्छा लिखी दो उसी तरह लिखो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये कौन सा है? भविष्य का नुकसान 1 लाख, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब क्या होगा? सर इशू कर दिए हैं 30 जून को इंटरेस्ट का एंट्री, 6 महीने के बाद जो डिबेंचर में जो परसेंटेज लगा हुआ है वो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6 महीने बाद इंटरेस्ट देंगे तो 1 साल का 10%, तो 6 महीने का 5%, हमेशा फेस वैल्यू पे, तो सर 20 लाख रुपया का 5% इंटरेस्ट। हम बोले हां लिखो, 30 जून 2018 डिबेंचर पे इंटरेस्ट देंगे तो कंपनी को नुकसान, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट 20 लाख रुपया का 5%, 5% ऑफ 20 लाख, सर 10% 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लिखा हुआ है डिबेंचर के बगल में जो परसेंटेज चिपका हुआ है वो 1 साल का बताता है, हम लोग तो 1 जनवरी को इशू किए, 30 जून को इंटरेस्ट देंगे तो 6 महीना का इंटरेस्ट देंगे, तो 6 महीना का इंटरेस्ट देंगे तो 1 साल का 10%, तो 6 महीना का कितना? 5%, तो सर 20 लाख का 5%, 1 लाख किसको देंगे? सर डिबेंचर होल्डर, 2 डिबेंचर होल्डर, और किसको देना है? गवर्नमेंट को, टीडीएस, तो सर जो 2 लाख सॉरी 1 लाख रुपया का जो इंटरेस्ट है उस पर टैक्स कटेगा 10%, 10,000। हम बोले हाँ, और बाकी का 90 किसको मिल जाएगा? डिबेंचर होल्डर को, बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अलाउड, अब क्या होगा? सर इस इंटरेस्ट का पेमेंट कर दीजिए आप। हम बोले बिल्कुल आओ पेमेंट करें, जो डिबेंचर होल्डर है उसको डेबिट करो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, गवर्नमेंट को भी पेमेंट कीजिए, इसको भी डेबिट, टीडीएस डेबिट टू बैंक, बी इंटरेस्ट पेड, हो गया पेमेंट इंटरेस्ट, 90,000 रुपया डिबेंचर होल्डर का, 10,000 गवर्नमेंट का टीडीएस, सब मिलाए कंपनी कितना पे कर दिया? 1 लाख रुपया। फिर 6 महीने के बाद सर 31 दिसंबर, हम बोले आओ इधर लिखते हैं, 31 दिसंबर 2018 क्या एंट्री करेंगे? सर फिर से इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट कितना? सर वही 1 लाख, फिर से 5% 2 डिबेंचर होल्डर, 2 टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, फिर से उतना ही है, 1 लाख का 10% टीडीएस निकाल लो, 10% ऑफ 1 लाख, नरेशन बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अलाउड, अब क्या होगा? सर इंटरेस्ट का पेमेंट कर दो, तो जो डिबेंचर होल्डर था उनका पेमेंट कर दो, डिबेंचर होल्डर को डेबिट, टीडीएस
डेबिट टू बैंक 90,000, 10,000 बैंक में 1,00,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। ये भी हो गया। अब क्या होगा? हम बोले सर इंटरेस्ट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो इस इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर दो। हम बोले हां आओ करें। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दोनों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जो है एक साथ कर दो। 1,00,000 और 1,00,000, 2,00,000 का इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर हो गया? पीएल में। बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और क्या होगा? हम बोले सर इसी डेट में एक और एंट्री करना है आपको। और करना है क्या चीज? सर 5 साल के बाद अगर रिडीम हो जाएगा तो ये जो लॉस ऑन इश्यू हुआ है इसको राइट ऑफ करना पड़ता, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में किए थे। 5 साल के बाद होगा तो फिर से वो टेबल बनाएंगे तो सर रेशियो तो वही आएगा, क्योंकि जो डिबेंचर 20,00,000 का है वो 5 साल के बाद रिडीम होगा तो कैसे लिखेंगे? ईयर 1 में 20, ईयर 2 में 20, ईयर 3 में 20, ईयर 4 में 20, ईयर 5 में 20, तो रेशियो क्या बनेगा? 1:1:1:1, तो हर साल इक्वल होना है। तो 3,00,000 का जो लॉस है ×1/5 तो 1 साल का निकल जाएगा कितना रुपया? 60,000। तो राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होता है कि सर लॉस को राइट ऑफ करना है तो लॉस डेबिट से क्रेडिट में आ जाएगा और डेबिट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। हम बोले हां चलो लिखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना? 60,000। कैसे निकालेंगे? सर 3,00,000 का लॉस है, फर्स्ट ईयर का रेशियो 1/5 जैसे अभी बनाए थे वैसे सेम वही रेशियो बनेगा, फिर से आप निकाल के देखो। बी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ये था 5 नंबर के लिए मई 2019 का क्वेश्चन। लिखिए क्या इसके अलावा डिबेंचर इश्यू ऑफ डिबेंचर में और कोई क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में? नहीं सर, 2018 से पहले के फाउंडेशन में, 2018 से पहले जो फाउंडेशन का सिलेबस था, मतलब 2006 क्योंकि 2007 से सीपीटी एप्लीकेबल हो गया तो फाउंडेशन 2006 तक था, तो 2006 तक के सिलेबस में इश्यू ऑफ डिबेंचर था ही नहीं, इसलिए पहले आपको फाउंडेशन के सिलेबस में इश्यू ऑफ डिबेंचर और इश्यू ऑफ शेयर दोनों नहीं मिलेगा। तो हम लोग के पास ले दे के पास्ट ईयर जो है 18 का मई, 18 का नवंबर और 19 का मई और 2019 का नवंबर, इस 4 टर्म में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अवेलेबल थे हम लोग के पास, एक मई 2019 में और एक नवंबर 2018 में, और कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। लिखिए